नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था मितस्थायी स्तर। जो मितस्थायी स्तर अपने पास में आ रहे थे उन मितस्थायी स्तर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मितस्थायी स्तर। और कुछ एक बातें इसके अंदर मैंने आप लोगों को कल बता दी थी कि मितस्थायी स्तर जो है वो क्या होते हैं, मितस्थायी स्तर, ठीक है। और जीवन काल वगैरह मैंने बताया था इसका कि 10^-3 सेकंड होता है। तो देखिए, अपने जो परमाणु होता है, परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर इस प्रकार से बनते हैं। जो अपने पास में क्या होता है, परमाणु होता है, उस परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर इस तरीके से बनते हैं कि जहाँ से अपने जो मूल स्तर होता है उस मूल स्तर में संक्रमण जो है, मूल स्तर में संक्रमण जो है वो वर्ण नियम अपने जो होते हैं, चयन नियम, सिलेक्शन रूल जिन्हें बोलते हैं, उन वर्ण नियमों के अकॉर्डिंग अणु में नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हें अपने किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है मितस्थायी स्तर के नाम से। उन्हें किस नियम से, किस नाम से जाना जाता है, मितस्थायी स्तर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए मितस्थायी स्तर क्या होते हैं, यानी परमाणु जो होते हैं उनमें कुछ एक ऊर्जा स्तर इस प्रकार से बने होते हैं जहाँ से मूल ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण है, आपको पता है कि परमाणु जो है वो जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उच्च अवस्था में चला जाता है, तो वहाँ से वो 10^-8 सेकेंड तक उत्तेजित अवस्था में रहेगा और फिर क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित कर देगा। सामान्य कंडीशन की बता रहा हूँ, इसकी नहीं बता रहा मैं आपको। सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि जो परमाणु होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ संक्रमण कर जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है, और 10^-8 सेकंड के बाद में वो कुछ ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है और फिर से कहाँ आ जाता है, मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ऐसा अपने कौन बताता है, ऐसा अपने जो वर्ण नियम है, चयन नियम है, वो बताते हैं। परंतु जो अपना कुछ एक परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऊर्जा स्तर, परमाणु जो है उनमें कुछ ऊर्जा स्तर इस प्रकार के होते हैं जहाँ से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण जो है वो किसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, इन वर्ण नियमों के अकॉर्डिंग नहीं होता है, उन ऊर्जा स्तरों को जाना जाता है मितस्थायी स्तर के नाम से। अब यदि अपने क्या कर दें, मितस्थायी स्तर पर स्थित जो परमाणु है उनको टक्कर दे दें, या कुछ ऊर्जा देकर, या उनसे कुछ ऊर्जा अवशोषित करके, या तो अपने क्या कर दें उन ऊर्जा स्तरों पर जाकर के टक्कर करवा दें, या कुछ ऊर्जा दे दें, या क्या कर दें वहाँ से ऊर्जा अवशोषित कर लें, यानी कोई भी संभावना बना करके, ये संभावना यदि अपने बना दें तो उससे क्या होगा, उससे उन्हें उस ऊर्जा स्तर में पहुँचा देते हैं जहाँ से उनका संक्रमण जो है वो जो वर्ण नियम है उनके अकॉर्डिंग हो जाता है। और इससे जो आपके पास में जीवन काल होता है उसमें कितनी वृद्धि हो जाती है, तो कल मैंने आपको बताया था 10^-3 सेकंड की वहाँ क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यानी मितस्थायी स्तर से या तो ऊर्जा देकर, या टक्कर करा के, या अवशोषण करके कोई भी संभावना जो बनती है उस संभावना से अपने वहाँ से उसे कहाँ ले आते हैं, उन ऊर्जा स्तरों में ले आते हैं जहाँ से उनका जो संक्रमण है वो किनके अकॉर्डिंग हो जाए, वो वर्ण नियमों के अकॉर्डिंग हो जाए। और ये जो जीवन काल इनका होता है मितस्थायी स्तर में, ये कितना होता है, 10^-3 सेकंड होता है। और जो सामान्य जीवन काल होता है वो कितना होता है, 10^-8 सेकंड होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि 10^-3 सेकंड जीवन काल जो है उसमें क्या हो जाती है, वहाँ वृद्धि हो जाती है, ठीक है। एक इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अब जो अपनी ऊर्जा दे रहे हैं या उन्हें उत्तेजित कर रहे हैं, तो अपने उत्तेजित कर रहे हैं तो इससे जो उत्सर्जन होगा वो उत्सर्जन कौन सा होगा, ये उत्सर्जन होगा उनका उद्दीपित उत्सर्जन, ठीक है। मितस्थायी स्तर से जब अपने इसे संक्रमित करवा रहे हैं तो कौन सा उत्सर्जन होगा, उद्दीपित उत्सर्जन होगा। इसमें जो स्वतः उत्सर्जन है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसे अपने टक्कर करवा रहे हैं, अपने ऊर्जा दे रहे हैं या ऊर्जा अवशोषित कर रहे हैं, इसलिए उद्दीपित उत्सर्जन की संभावना बढ़ जाएगी और स्वतः उत्सर्जन की संभावना जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ से 1-1.5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मितस्थायी स्तर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है वैसे ये मितस्थायी स्तर, ठीक है। छोटी सी यूनिट है, सभी टॉपिक आपको करने हैं, मितस्थायी स्तर जो है इनको जरूर पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेजर का सिद्धांत। लेजर का सिद्धांत, लेजर के सिद्धांत के अंदर अपने एक तो देखते हैं जनसंख्या व्युत्क्रम को,
और एक अपने देखते हैं उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रवर्धन को। तो अपना टॉपिक है लेजर का सिद्धांत, लेजर का सिद्धांत। देखिए लेजर के सिद्धांत में क्या आता है, लेजर के सिद्धांत के अंदर अपने बोलते हैं कि जो सामान्य ऊर्जा स्तर होते हैं उसके अंदर जो परमाणुओं की संख्या होती है वो अपने किससे ज्ञात करते हैं, मैक्सवेल वोल्टेज मान के वितरण नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। और ये जो नियम है अपने को क्या बताता है, ये नियम अपने को बताता है कि जो सामान्य अवस्था होती है उन ऊर्जा स्तरों के अंदर विकिरण के अवशोषण द्वारा परमाणुओं के संक्रमण की दर, विकिरण के अवशोषण द्वारा परमाणुओं के संक्रमण की दर जो है वो बराबर होती है किसके, उत्सर्जन के द्वारा संक्रमण की दर के। जो सामान्य अवस्था होती है उसके अंदर क्या होती है, मैक्सवेल वोल्टेज मान स्टैटिक्स जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो अवशोषण की दर है वो परमाणुओं के उत्सर्जन की दर के क्या होती है, अपने बराबर होती है, ऐसा हम लोग पढ़ते आए हैं। अभी यदि अपने क्या कर दें, बाहर से विकिरणें आपतित करवा दें, बाहर से अपने क्या कर दें, विकिरणें आपतित करवा दें, और बाहर से विकिरण आपतित करवा के ये जो बराबर रह रही है ये इनकी जो साम्य अवस्था है इन्हें अपने क्या कर दें, यहाँ से विचलित कर दें, या इनके साम्य अवस्था को यदि अपने क्या कर दें, बिगाड़ दें, तब अपने क्या हो जाएगा, जो उद्दीपित उत्सर्जन है उसकी दर जो है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ये जो है साम्य अवस्था इसकी ये क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। तो अपने इसमें लिखेंगे कि जो कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर है, अपने लिखेंगे कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर, कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर बटा कुल उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर बटा अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर बटा अवशोषण द्वारा संक्रमण की अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर। इसके अंदर आप लोग ध्यान रखोगे कि अपने दर की बात कर रहे हैं, यानी अपने बात कर रहे हैं आर एन एम की और बात कर रहे हैं आर एम एन की। तो इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखोगे कि आर एन एम किसे लिए है हम लोगों ने और आर एम एन किसे लिए है। जो अवशोषण है उससे एम से एन में परमाणु जाता है इसलिए अपने इसे लिखा है आर एम एन, और जो उत्सर्जन होता है उसमें एन से एम में आता है इसलिए इसे लिखा गया है आर एन एम। और अपने अनुपात यदि देखें किसका, आर एन एम का और आर एम एन का, आर एन एम का और आर एम एन का यदि अनुपात हम लोग ज्ञात करें तो वो अनुपात देखिए क्या आएगा, वो अनुपात आएगा ए एन एम प्लस बी एन एम यू न्यू और कितना एन एन अपॉन में, कितना अपॉन में बी एम एन यू न्यू अपॉन में कितना एन एम। ठीक है, ए एन एम यानी स्वतः उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का गुणांक और उद्दीपित उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का गुणांक, यू न्यू जो आपतित प्रकाश है उसकी ऊर्जा घनत्व तीव्रता के जो समानुपाती था, एन एन जो आपका एन ऊर्जा स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या, अपॉन बी एम एन जो अपने लिखा गया ये लिखा गया अवशोषण गुणांक जो हम लोगों ने लिखा है वो, ये तो उद्दीपित उत्सर्जन और स्वतः उत्सर्जन का है और ये किसका है, अवशोषण का है, यू न्यू अपने तीव्रता के समानुपाती ऊर्जा घनत्व है और एन एम एम जो आपका ऊर्जा स्तर है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसे लिखते हैं। अपने ये जानते हैं कि जो अपना बी एम एन है और जो बी एन एम है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो बी एम एन है वो किसके बराबर होता है, बी एन एम के बराबर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। पर उससे पहले आप लोग इसे इस तरीके से लिखो कि आर एम एन एन एम और आर एम एन। ठीक है, ये जो टर्म है इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, अगर ऐसा आप लोग करते हो तो इसके अपॉन में कौन आए, ये आएगा बी एन एम यू न्यू अपॉन बी एम एन न्यू आएगा प्लस ए एन एम अपॉन बी एम एन यू न्यू और इसे लिख देता हूँ ए एन एम और एन एम। ठीक है, ये जो ऊपर टर्म लिखी गई है इसे मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो बी एन एम यू न्यू
BMN U न्यू, ANM बटा BMN और U न्यू। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से U न्यू से U न्यू क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा और आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा RNM बटा RMN इक्वल किसके, BNM बटा BMN प्लस का ANM बटा BMN U न्यू और NN बटा NM, ठीक है। और अपने पीछे पढ़ करके आए हैं कि जो प्रायिकता ही होती है दोनों की बराबर होती है किसकी, BNM की और BMN की। ये जो प्रायिकताएँ हैं ये क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है स्वतः, ये उद्दीपित उत्सर्जन की और उद्दीपित अवशोषण की दोनों जो है प्रायिकताएँ बराबर होती है, ऐसा अपने आइंस्टीन के गुणांकों के सहसंबंध में पढ़ा था। तो RNM बटा RMN, RNM बटा RMN किसके बराबर है, देखो तो यहाँ से ये कट जाएंगे और एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा यदि ये कटता है तो, और बराबर आ जाएगा ANM बटा BMN यू न्यू और NN बटा NM इसके ये क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ऐसा हम लोग इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए लेज़र के लिए जो औसत प्रतिबंध होते हैं वो अपने पास में क्या क्या बनते हैं, तो एक तो औसत प्रतिबंधों के अंदर ये बात आप लोग ध्यान रखोगे कि स्वतः उत्सर्जन से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसकी प्रायिकता उद्दीपित उत्सर्जन की जो प्रायिकता है उससे क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए। यानी जो आपके पास में लेज़र के लिए प्रतिबंध जो आते हैं उनमें जो पहला प्रतिबंध आपका आता है वो आपको बताता है कि जो आपके पास में स्वतः उत्सर्जन के लिए जो मान आता है उसकी प्रायिकता आपके पास में स्वतः उत्सर्जन द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है वो क्या होना चाहिए, आपके पास में उद्दीपित उत्सर्जन की तुलना में बिल्कुल नगण्य होना चाहिए। यदि ऐसा अपने पास में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि ANM जो है फर्स्ट प्रतिबंध ANM जो है वो छोटा होना चाहिए किसकी तुलना में, BMN U न्यू की तुलना में। देखिए आप लोग यहाँ पर आप लोग अगर ये सोच करके देखें कि यहाँ जो अपने लिखा गया है ये तो लिखा गया है BMN और अपने लिख दिया है BMN और बोला ये कि स्वतः उत्सर्जन जो है उसकी प्रायिकता कम होनी चाहिए स्वतः उत्सर्जन की किसकी तुलना में, उद्दीपित उत्सर्जन की, और छोटा कर रहे हैं अपने अवशोषण वाले को। तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि BNM और BMN जो है उनकी प्रायिकताएँ बराबर होती है, दोनों मान एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा प्रतिबंध अपने को ये बोलता है कि उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर जो है वो अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर के बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो अपने पास में उद्दीपित उत्सर्जन की दर है वो किस किस की तुलना में ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये उत्सर्जन वाली दर जो है वो अवशोषण की दर से अपने बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेज़र के लिए जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रतिबंध लिखा है उस फर्स्ट प्रतिबंध से आप लोग क्या लिख सकते हो, फर्स्ट प्रतिबंध से आप लोग लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे लेज़र के प्रथम प्रतिबंध से, लेज़र के प्रथम प्रतिबंध से यहाँ आप लोग ये लिखना NM क्योंकि जब आप लोग इसकी हिंदी के अंदर लाइन लिखोगे तो उसके अंदर आप लोग लिखोगे कि स्वतः उत्सर्जन ये कम होना चाहिए किसकी तुलना में, जो आपके पास में उद्दीपित उत्सर्जन है उसकी तुलना में अधिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप लोग क्या लिखोगे, लेज़र का प्रथम प्रतिबंध बताता है कि स्वतः उत्सर्जन की दर जो है वो उद्दीपित उत्सर्जन की तुलना में नगण्य होनी चाहिए या बिल्कुल कम होनी चाहिए, तथा उत्सर्जन के द्वारा जो संक्रमण की दर है उसका मान क्या होना चाहिए, अवशोषण की तुलना में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो लेज़र के प्रथम प्रतिबंध से आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे ANM और लेस देन क्या आएगा, BMN U न्यू। ये अपने प्रथम प्रतिबंध से लिखा है, देखना यहाँ NM लिखा है और यहाँ मैंने MN लिखा है, ये तो अपने बात कर रहे हैं इस प्रतिबंध की, और यहाँ अपने इस प्रतिबंध को लागू कर रहे हैं क्या, ध्यान में रखते हुए BNM जो है वो बराबर है किसके, BMN के, BMN जो है वो BNM के क्या है, बराबर, इसलिए ये मान अपने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया है। अगर इसे भी आप लोग नहीं मानते हो तो इसका जो दूसरा प्रतिबंध है वो तो अपने को ये ज़रूर बताता है कि BMN जो है इसकी तुलना में आपके पास में जो BNM है उसका मान क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई भी प्रतिबंध आप काम में ले सकते हो, जो सामने लिखा गया है उसे मैंने लिख दिया है कि लेज़र के प्रथम प्रतिबंध से ANM जो है वो क्या है, इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अगर ये
बहुत ज़्यादा छोटा है तो इस टर्म को आप लोग क्या मान लोगे, नगण्य मान लोगे, क्योंकि छोटी संख्या के अंदर एक बड़ी संख्या का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो ये टर्म अपने लगभग किसके बराबर आ जाएगी, आर एन एम बटा आर एम एन लगभग बराबर एन एन बटा एन एम के बराबर आ जाएगी। यानी अपने यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर एन एम बटा यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि जो आपका ये टर्म है आर एन एम बटा आर एम एन लगभग बराबर है किसके, ये तो अपने टर्म नगण्य आ गई, तो ये आ जाएगा एन एन बटा एन एम के, ये इसके क्या है बराबर है। ये आपने लिखा है लेज़र के लिए। और आप लोग जानते हो कि जो मैक्सवेल वोल्टेज मान वीतल नियम है उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास में मान होता है किसका, एन एम बटा एन एन का, वो कितना होता है, वो होता है e की पावर एच न्यू अपॉन के टी। तो इससे आप लोग, आपको तो चाहिए एन एन बटा एन एम का मान, यानी इसका उल्टा चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए, तो ये आ जाता है एक बटा एच न्यू अपॉन के टी या e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, इसे याद रख दीजिए। तो ये बनेगा आर एन एम बटा आर एम एन किसके बराबर, e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी के बराबर, ठीक है। e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी जो है उसके ये मान क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। जब अपने सामान्य परिस्थितियों की बात करते हैं तो सामान्य परिस्थितियों के अंदर अपने पास में जो मान आता है वो मान देखिए कितना आता है। जब सामान्य परिस्थितियों की बात करते हैं, ये बराबर और लिख देना इसके एन एन बटा एन एम के, क्योंकि दोनों में से कोई भी मान देकर के आपको इसे सॉल्व करना दिया जा सकता है, तो समीकरण नंबर लगा देना इसके। तो जो सामान्य परिस्थितियाँ होती है, सामान्य परिस्थितियाँ होती है, ये तो अपने एक आधार बना रहे हैं लेज़र का सिद्धांत लिखने के लिए, ठीक है। इससे अपने बताएंगे कि लेज़र अपने बनाएंगे कैसे, किस प्रकार से वो काम करेंगे। तो जो सामान्य परिस्थितियाँ होती है इसके अंदर अपने टेम्परेचर तो कितना लेते हैं, सामान्य परिस्थितियों में टेम्परेचर तो लेते हैं अपने टी इक्वल 300 केल्विन, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में टेम्परेचर कितना लेते हैं अपने, ये लेते हैं अपने 300 केल्विन। और जो लैम्डा अपने लेते हैं वो लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, कितना लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, ठीक है। और जो e की पावर एच न्यू अपॉन के टी जो है इसका मान लगभग कितना आ जाता है, 10^-40 आ जाता है। e की पावर एच न्यू अपॉन, ये मान आपको याद रखनी है, लगभग कितना आ जाता है, 10^-40 आ जाता है, लगभग 10^-41 10^-41 प्राप्त हो जाता है। ये सामान्य परिस्थितियाँ हैं। तो सामान्य परिस्थितियों के अंदर आपके पास में जो n में परमाणुओं की संख्या है वो क्या होती है, m में परमाणुओं की संख्या की तुलना में कम होती है, ठीक है। यानी आपके पास में जो n ऊर्जा स्तर है इससे आपका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो बताएगा कि n में जो परमाणुओं की संख्या है वो m में परमाणुओं की संख्या की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। आपके दो ऊर्जा स्तर थे, ये ऊर्जा स्तर m था और ये ऊर्जा स्तर था n, और ये रिजल्ट जो आपको बता रहा है ये बता रहा है कि इसमें परमाणुओं की संख्या जो है वो इसकी तुलना में क्या है, काफ़ी कम है। सामान्य परिस्थितियों के अंदर जो उच्च ऊर्जा स्तर होता है उसमें परमाणुओं की संख्या बहुत कम होती है, किसकी तुलना में, जो आपके पास में मूल ऊर्जा स्तर है उसकी तुलना में। तो मूल ऊर्जा स्तर की तुलना में जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या कम होती है, ये आप सभी जानते ही हो। अपने सामान्य परिस्थिति की बात करें, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात है और प्रकाश की तरंग दे दे रही है, आप लोग जानते हो जो सामान्य परिस्थितियों में लिखते हैं, तो उसके अंदर अपने क्या किया है, 5000 एंगस्ट्रॉम लिया है, ठीक है। लगभग अपने 4 से 7 या 3600 से 7800 के आसपास कुछ लिख लेते हैं, तो अपने उसके बीच का ही कोई एक मान लिया, कितना लिख दिया अपने 5000 एंगस्ट्रॉम लिख दिया है। और इससे जो अपने मान ज्ञात किया है तो ये अपने कितना आ गया, ये अपने आ जाता है कि जो आपका उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या जो आपका निम्न ऊर्जा स्तर है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। अगर ऐसा है तो उद्दीपित उत्सर्जन की संभावना जो है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर ऐसा है तो अवशोषण जो है, आप जो फोटोन आपका अतीत होगा उससे अवशोषण की प्रधानता हो जाएगी, और जो आपके पास में उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि
उत्सर्जन के लिए जरूरी क्या है? उत्सर्जन के लिए जरूरी ये है कि जो फोटोन आ रहा है वो उच्च ऊर्जा स्तर के परमाणुओं के द्वारा ग्रहण किया जाए और वहाँ से अन्य फोटोन जो है वो उत्सर्जित किया जाए। परंतु ये कंडीशन अपने को बता रही है कि सामान्य परिस्थितियों के अंदर जो आपका निम्न ऊर्जा स्तर है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, तो यदि वो परमाणु ज़्यादा होंगे तो इस बात की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी कि वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोनों को अवशोषित करेंगे, जिससे अवशोषण की प्रायिकता बढ़ जाएगी और उत्सर्जन की प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। इस फॉर्मूले को काम में लेना है जो बिल्कुल लास्ट में अपने साफ किया है। तो अब अपने पढ़ते हैं इसके अंदर समष्टि प्रतिलोम। लेजर का सिद्धांत ही चल रहा है, ये ध्यान रखना। समष्टि प्रतिलोमन, पॉपुलेशन इन्वर्जन अपने जिसे बोलते हैं, जनसंख्या व्युत्क्रम अपने इसे कहेंगे, जनसंख्या व्युत्क्रम या समष्टि प्रतिलोमन के नाम से अपने इसे जानते हैं। तो देखिए, अपने जो सामान्य परिस्थितियाँ हैं उसका जो संतुलन है उसे अपने क्या करना है, अब बिगाड़ना है या असंतुलित उसे अपने क्या करना है, करना पड़ेगा। ठीक है, अपने क्या करेंगे, अवशोषण संक्रमणों की तुलना में उद्दीपित उत्सर्जन जो है उसे ज़्यादा करेंगे और इसके लिए अपने क्या करें, उसमें संतुलन को क्या कर दें, निकाय के बिगाड़ दें, जिससे जो आपका उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर की तुलना में क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अभी अपनी जो सामान्य परिस्थितियाँ पड़ी है उसके अंदर आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि N जो है इसमें परमाणुओं की संख्या कम है और जो आपका M ऊर्जा स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है। जो आपका उच्च ऊर्जा वाला स्तर है इसमें तो परमाणुओं की संख्या क्या है, कम है, और जो आपका निम्न ऊर्जा का स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है। अब अपने यहाँ की अगर बात करें समष्टि प्रतिलोमन की, तो अब अपने क्या करेंगे, अब अपने बाह्य विकिरणों के द्वारा या बाह्य प्रकाश के द्वारा क्या करेंगे, इस उसमें संतुलन को बिगाड़ देंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जो आपका अपने ये समष्टि प्रतिलोमन करना क्या है इसके लिए अपने विधियाँ पढ़ेंगे, पंपन की विधियाँ पढ़ेंगे, प्रकाशिक पंपन वगैरह, गैस पंपन, अन्य प्रकार के पंपन हम लोग पढ़ेंगे, तो वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आपको देखना है समष्टि प्रतिलोमन का मतलब क्या है। तो समष्टि प्रतिलोमन का मतलब ये है कि जो आपका उष्मीय संतुलन की अवस्था है उष्मीय जो संतुलन की अवस्था है उसे आपको क्या करना है, बिगाड़ना है या असंतुलित करना है, यानी जो आपके पास में ये अवस्था है इसे आपको क्या करना है, हटाना है। आपको जो उच्च ऊर्जा वाला स्तर है, जो उच्च ऊर्जा स्तर है, इस उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या जो N है इसे क्या करना है, आपको बढ़ा देना है, किसकी तुलना में, NM की तुलना में। NM आपका क्या है, मूल ऊर्जा स्तर में, मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या है, यानी निकाय का उसमें संतुलन जो है इसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिगाड़ना पड़ेगा, असंतुलित करना पड़ेगा। जो उच्च ऊर्जा स्तर है इसमें परमाणुओं की संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, किसकी तुलना में, जो मूल ऊर्जा स्तर है उसकी तुलना में। ये असामान्य परिस्थिति है, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है जो सामान्य परिस्थितियाँ हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है उच्च ऊर्जा स्तर जो होता है वहाँ परमाणुओं की संख्या कम होती है, परंतु समष्टि प्रतिलोमन मैं आपको क्या बताना है कि उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो, किसकी तुलना में, मूल ऊर्जा स्तर के अंदर स्थित परमाणुओं की तुलना में। तो इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे अपने जाना जाता है समष्टि प्रतिलोमन के नाम से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं समष्टि प्रतिलोमन। समष्टि प्रतिलोमन का मतलब है कि जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो, किसकी तुलना में, मूल ऊर्जा स्तर की तुलना में। ठीक है, तो ये अपना क्या है, समष्टि प्रतिलोमन है। आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं कि समष्टि प्रतिलोमन जो है ये अपने प्राप्त कैसे करेंगे और एक दो इसके अंदर डेरिवेशन भी आएंगे। ये जो स्थिति है इसे ध्यान रखना, ऋणात्मक ताप के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, ये जो स्थिति है इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग ऋणात्मक ताप के नाम से जानते हैं, इसे नेगेटिव टेम्परेचर की कंडीशन भी कहते हैं, ऋणात्मक
ताप की अवस्था के नाम से क्या करते हैं हम लोग इसे जानते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर की अवस्था जो है इसे हम लोग कहते हैं। तो देखिए समष्टि प्रतिलोमन में और क्या होता है, आपके पास में जो समीकरण प्राप्त हुई है, लास्ट समीकरण जो हम लोगों ने लिखी है, उस समीकरण को एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, उसी समीकरण को सोल्व करना है आपको। जो आप लोगों ने समीकरण लिखी थी थोड़ी देर पहले, समष्टि प्रतिलोमन क्या होता है इसकी परिभाषा आप लोग याद रखोगे समष्टि प्रतिलोमन की, तो आर एन एम बटा आर एम एन किसके बराबर, ए की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी के बराबर, यानी एन एन बटा एन एम के ये टर्म क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, एन एन बटा एन एम के ये टर्म क्या होगी, बराबर होगी। अब अपने इस समीकरण का क्या करते हैं, यदि लोग लें इस समीकरण का, यदि आप लोग क्या करते हो लोग लेते हो, तब देखिए आपके पास में ये समीकरण क्या बनती है। इस समीकरण का यदि यहाँ से लोग लिया जाए तो आपके पास में बनता है लोग एन एन बटा लोग एन एम किसके बराबर, माइनस एच न्यू अपॉन के टी के बराबर। यहाँ से आप लोग टी का मान यदि ज्ञात करो तो कितना आएगा, माइनस का एच न्यू के लोग एन एन बटा एन एम, ये मान जो आपके पास में बन जाएगा। और एच न्यू जो है, ये एच न्यू अपना किसके बराबर होता है, तो एच न्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बराबर होता है ई एन माइनस ई एम के बराबर। जो दोनों ऊर्जा स्तर हैं उनके ऊर्जा अंतराल जो है वो किसके बराबर होते हैं, एच न्यू के बराबर होते हैं। तो टी का जो मान बनेगा वो बनेगा माइनस का ई एन माइनस ई एम बटा के लोग एन एन बटा एन एम, ये एम है, एन एन बटा एन एम। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाता है, टी का मान आ जाता है टी इक्वल माइनस ई एन माइनस का ई एम अपॉन के लोग एन एन बटा एन एम। अब अपने इस समीकरण की सहायता से आगे इसे सोल्व करेंगे कि जो अपनी सामान्य परिस्थितियां होती है, सामान्य परिस्थितियों के अंदर क्या होता है, सामान्य परिस्थितियों के अंदर अपना जो सामान्य परिस्थितियाँ हमारे पास में होती है, सामान्य परिस्थितियों में अपना जो ये मान है ई एन माइनस ई एम, और दूसरा हमारे पास में जो एन एन का मान है, एन एन का मान क्या होता है सामान्य परिस्थितियों में, छोटा होता है किसकी तुलना में, एन एम की तुलना में। सामान्य परिस्थितियों में जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या कम होती है किसकी तुलना में, निम्न ऊर्जा स्तर की तुलना में, जिससे आपके पास में ई एन माइनस ई एम जो है इसका मान भी क्या आता है, जीरो से बढ़ाता है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा ही तो होता है कि उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर को अगर घटाओगे तो आपके पास में ऊर्जा का मान मिलेगा, और किस प्रकार का मान मिलेगा, धनात्मक मान जो आपको प्राप्त होगा, जिससे आप लोग इस टी का यदि मान ज्ञात करो तो निकाय का ताप आपको हमेशा क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। निकाय का ताप आपको इससे क्या मिलेगा, इससे आपको निकाय का ताप टी जो है उसका मान कैसा मिलेगा, धनात्मक मान जो आपको प्राप्त होगा। पर जो आपके पास में समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था है इसके अंदर क्या होगा, समष्टि प्रतिलोमन की जो अवस्था है इसके अंदर अपनी असामान्य परिस्थिति होगी, और यहाँ जो आपका मान प्राप्त होगा वो देखिए कितना होगा, असामान्य परिस्थिति में, असामान्य परिस्थिति के अंदर सामान्य तो आपने देख लिया, असामान्य परिस्थिति या समष्टि प्रतिलोमन जो है, समष्टि प्रतिलोमन की जो आपके पास में स्थिति है उसमें क्या होगा, उसमें एन एन जो है इसका मान ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, एन एम की तुलना में। ये फिर से धनात्मक ही होगा, ये तो धनात्मक ही होना है, उच्च ऊर्जा स्तर ये तो ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर को घटाओगे तो मान आपके पास में कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा। ये किस प्रकार की स्थिति है आपके पास में, ये समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति है, असामान्य स्थिति है जिसमें उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। इस स्थिति के अंदर निकाय का जो ताप आपको प्राप्त होगा वो कैसा होगा, निकाय का ताप आपको प्राप्त होगा ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ जो आपको निकाय का ताप मिलेगा ये किस प्रकार का मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, और यहाँ जो आपको निकाय का ताप मिल रहा है कैसा मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है। यहाँ निकाय का ताप ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए अपने इसे किस नाम से जानते हैं, ऋणात्मक ताप की अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो अपनी अवस्था है इसे अपने किस नाम से जानते हैं, ऋणात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं।
ठीक है। अपने कुछ प्रतीक डायग्राम की सहायता से इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, भी बचा हुआ पार्ट अपना इसका, कुछ प्रतीक डायग्रामों की सहायता से देखेंगे कि जो अपनी सामान्य परिस्थितियाँ होती है वहाँ पर जो आपका निम्न ऊर्जा स्तर होता है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो उच्च ऊर्जा स्तर होता है उसमें कम होती है, होती नहीं है अगर अपने बिल्कुल कम टेम्परेचर ले। तो जैसे जैसे आप लोग ताप बढ़ाते जाते हो जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें भी परमाणु जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, और एक ताप के बाद में उच्च ऊर्जा स्तर पर और निम्न ऊर्जा स्तर पर मान क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट इसका अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।